Hello students, I am the 30 years experienced physics faculty. I have taken the class in many institutes. There are so many students due to my guidance became doctors, engineers, IAS and so many different high posts. Now I am feeling and realizing that I must provide my experience, knowledge to the world so that difficult question, complex questions should become easy due to my trick, due to my principle and due to right approach. Please try your best. Your physics subject will be very, very, very simple. Okay, let's start. Today, we are going to study pseudo force or fictitious force. In physics, there is very high application of pseudo force. By rectification, pseudo force cannot be clear, never it will be clear. Try your best. Today it will be clear to you. So, now question is pseudo force. You can say it fictitious force. Fictitious force. Spelling कुछ problem हो आप देख लीजिए. So now question is this, what is this? So pseudo force, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सपोज देर इज ए कार और उस कार में आप बैठे हैं. सडनली कार एक्सीलरेट्स, तो जब कार एक्सीलरेट होगी अलोंग दिस तो आपकी बॉडी पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. नो वन अप्लाइंग फोर्स ऑन योर बॉडी, फिर भी आपकी बॉडी पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है. दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आपकी बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहती है. बट सडनली कार की स्पीड बढ़ गई तो आपकी बॉडी में पीछे की तरफ ए फोर्स विल एक्ट, दैट इज कॉल्ड द स्यूडो फोर्स. एंड इन केस कार ऐसे मूव कर रही है और इधर एक्सीलरेट हो रही है तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा. इन केस कार इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन, जीरो, तो आपकी बॉडी पे इस साइड कोई फोर्स नहीं लगेगा. और इन केस कार ऊपर की तरफ जा रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. इफ कार इज मूविंग अपवर्ड तो नीचे की तरफ लगेगा. इस एंगल से स्यूडो फोर्स, कार इधर मूव कर रही है इस एंगल से तो इसी एंगल में नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स इंक्लाइन इधर फोर्स लगेगा. इन केस कार इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स, इंक्लिनेशन डाउनवर्ड्स इंक्लिनेशन है तो इधर एक्सीलरेट हो रही है कार तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा. और इन केस कार इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड लगेगा. मीन एक्सीलरेशन मोशन के अगेंस्ट स्यूडो फोर्स लगेगा. और ये कुछ रटना नहीं है, आप खुद फील कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, इफ देर इज ए कार और कार ऐसे ऐसे मूव कर रही है और सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, सो व्हाट विल हैपन? हम सभी आगे की तरफ चले जाएंगे. क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कार वेलोसिटी इज, मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक लगा दिया तो 22 3 किलोमीटर पर आर हो गई.
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है, हमारी बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी। बट कार की वेलोसिटी कम हो गई तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं। सो ये फोर्स जो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हमारी बॉडी अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहती है, तो ये जो फोर्स हम फील करेंगे दिस इज द स्यूडो फोर्स। तो इन दिस केस इफ इट इज द कार, इट इज फॉरवर्ड मूव कर रही है और ब्रेक्स लग गए तो स्यूडो फोर्स आगे की तरफ लगेगा। इट इज मूविंग अलोंग दिस, ब्रेक लग गए, स्यूडो फोर्स आगे की तरफ लगेगा। मीनिंग इज दिस, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप कार का एग्जांपल सोच लीजिएगा, आपको रटना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कार का एग्जांपल सोच लिया। इफ इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स और ब्रेक लग गए तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और वर्टिकल ऐसे मूव कर रही है कोई बॉडी और ब्रेक्स लगा दिया आपने, इट इज एक्सीलेटिंग, जब ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन आ गया, अपने आप निगेटिव एक्सीलेशन आ गया। सो बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस और ब्रेक्स लगा दिया, मतलब रिटार्डेशन डेवलप कर दिया, तो फोर्स इधर लग जाएगा। इन केस बॉडी ऐसे अपवर्ड एक एंगल से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और आपने ब्रेक्स लगा दिया तो इसी एंगल में फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स। और अगर बॉडी ऐसे जा रही है अलोंग दिस और ब्रेक्स लगा दिया तो अपवर्ड फोर्स लगेगा। जब हम ब्रेक लगाते हैं मीन्स रिटार्डेशन करते हैं तो मोशन के अलोंग फोर्स लगेगा, और जब किसी बॉडी को एक्सीलेट कराते हैं तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ द स्यूडो फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, स्यूडो फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सिंपलर हो जाएगा, कार का एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा बस। ओके, सो नाउ इन दिस केस सपोज कर लीजिए कि दिस इज ए लिफ्ट, एक मैं यहां से चल रहा हूं, ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में ये एम मास बॉडी है और इट इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड विद एक्सीलेशन है। सो इसका अपरेंट वेट आपको बताना है, व्हाट इज द अपरेंट वेट, आप लोग आंसर अपने बनाइए, व्हाट इज द अपरेंट वेट। और सपोज दिस इज ए एलिवेटर और लिफ्ट, ये मास है, ये मूव तो अपवर्ड कर रही, बट आपने ब्रेक लगा दिया, माइनस से रिटार्डेशन हो गया, इट्स मास इज एम, तब इसका अपरेंट वेट क्या होगा, व्हाट इज द अपरेंट वेट। एंड केस थ्री, दिस इज द मास एम, एम मास बॉडी है और दिस इज कमिंग डाउन विद द एक्सीलेशन, तो इसका अपरेंट वेट क्या होगा, व्हाट इज द अपरेंट वेट। एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज द मास एम एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ माइनस से रिटार्डेशन हो गया, दिस इज द रिटार्डेशन, ये नीचे की तरफ आ रहा है और रिटार्ड कर दिया, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन में ब्रेक्स आपने अप्लाई कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द अपरेंट वेट, अब अपरेंट वेट क्या होगा ये आपको बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। ओनली 5 सेकंड में आप लोग सोचिए, 10 सेकंड ले लो, ठीक है 15 सेकंड टाइम ले लीजिए, सोचिए कि इनके आंसर्स क्या होंगे, प्लीज ट्राई योर बेस्ट। मोहन आर्चो, वेरी नाइस, मोहित, शुभांशु, प्रिया, वेरी नाइस, ओके ओके, ठीक है, कुछ लोगों के आंसर सही हैं, कुछ के गलत हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे सोचना है। मैंने कार का एग्जांपल आपका दिया था, सो कार इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, आप कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आप सोच लेना, कार पे बैठो, कार ऐसे एक्सीलेट कर रही तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, मतलब मोशन के अपोजिट लगेगा, इन एक्सीलेशन, सो इट इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड तो इस पे स्यूडो फोर्स नीचे की डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो प्रैक्टिकली इसका अगर ये मूव नहीं करे, ये रेस्ट पे हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा एम जी, और ये जब अपवर्ड एक्सीलेट करेगा तो एक फोर्स और एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, स्यूडो फोर्स एम ए, मास ऑफ दिस
और जितना एक्सीलेशन अपवर्ड होगा उसी एक्सीलेशन से नीचे की तरफ रेट आउट होगा, मीन्स नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक्सीलेट होगा, आना चाहेगा नीचे की तरफ, दैट इज द एम ए सीडो फोर्स। सो ये टोटल इसका वेट हो गया, तो अपरेंट वेट हो जाएगा एम एम टाइम्स जी प्लस ए, ये इसका अपरेंट वेट हो गया, दिस इज ये टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। इन दिस केस इसमें बॉडी इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड या मूविंग अपवर्ड और सडनली ब्रेक्स लग गया, इसमें हम एक्सीलेशन नहीं कह सकते हैं। अगर ये कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फिर ब्रेक लगा दिया तब भी रिटार्डेशन हो गया। सो इन दिस केस इफ द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, सो आप याद कर लीजिए कार का एग्जांपल, ब्रेक लगेगा तो आप इधर ही फोर्स लगेगा, तो सीडो फोर्स एम ए अपवर्ड हो जाएगा एम ए, और इसका अपना बॉडी वेट एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो वेट ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय एम ए, बाय एम ए बॉडी वेट हैज बीन रिड्यूस्ड, तो जो अब वेट है बॉडी का कम हो जाएगा। सो इन दिस केस अपरेंट वेट इज एम जी माइनस एम ए, दैट इज एम कॉमन ले लेंगे, जी माइनस ई हो जाएगा। इन दिस केस देर इज बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स, कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, डाउनवर्ड्स एक्सीलेट हो रहा है तो सीडो फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा एम ए, ये सीडो फोर्स है, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो अपरेंट वेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द एम ए, सो नेट वेट इसका जो होगा, दिस इज द सॉरी अपरेंट वेट कर रहा हूं, नेट वेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द एम ए, तो अपरेंट वेट इज एम टाइम्स जी माइनस ए, एंड इन दिस केस बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड्स और ब्रेक्स भी लगा रहे हैं, तो जब ब्रेक लगाओगे तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ही एक्सीलरेशन होगा, तो मतलब सीडो फोर्स जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, ब्रेक लगाओगे तो नीचे एक्सीलरेशन तो नहीं होगा, मेरा मतलब था सीडो फोर्स से कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड्स मोशन के अलोंग ही एक्ट करेगा, जब कार ऐसे जा रही ब्रेक लगाओगे तो आगे की तरफ आप मूव कर जाओगे, सेम वे ये बॉडी है यहाँ पर डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं, जब ब्रेक्स लगाएंगे आप तो नीचे की तरफ सीडो फोर्स एक्ट करेगा। सो इसका वेट मास इसका एम है, तो इसका एम जी डाउनवर्ड्स है प्लस सीडो फोर्स एम ए भी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, तो इसका अपरेंट वेट हो जाएगा, अपरेंट वेट इज एम टाइम्स जी प्लस ए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। माइनस साइन मैंने रिटार्डेशन के लिए अप्लाई किया, और आप ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं कह सकते, रिटार्डेशन का बोलेंगे, एक्सीलरेशन नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कम हो रही है, दिस इज प्लीज आप देख लें समझ लीजिए, और फिर कोई डाउट है तो आप पूछे, चूंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब तैयार होने जा रहा है, और माय नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप लोग इसे समझ लो, कोई डाउट है पूछ लो, मैं रब कर रहा हूँ। ओके Yes, my next question is like this. This is ये एक और ये एम मास बॉडी,
सो वेरी सिंपल है, मास इज एम, द सिस्टम इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा ये आपको बताना है, व्हाट इज द टेंशन, वेरी सिंपल मैंने दिया। नेक्स्ट केस इज दिस, दिस इज एन एलिवेटर और लिफ्ट आप कह सकते हैं, दिस इज एन रोप, ये हैंग्ड है, रोप इज हैंग्ड और रोप का टोटल लेंथ एल है और टोटल मास इज एम, एम एंड एल, इट्स एक्सीलेटिंग अपवर्ड विद माइनस ए रिटार्डेशन, ले लीजिए दिस इज द माइनस ए रिटार्डेशन। सो यहां से ये एक्स डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर आपको टेंशन टी आपको बताना है, टेंशन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा ये आपको बताना है, व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज This is the M1, this is the M2, और ये downwards retard हो रहा है। So tension, suppose ये tension T2 और ये tension T1 है, ये आपको बताना है what is? It is accelerating, retarding downwards. You have to find tension. ये question से क्वेश्चन नंबर वन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन दिस केस टेंशन, यहां पर जो भी टेंशन होगा ड्यू टू वेट ऑफ दिस, जो इसका अपरेंट वेट होगा, भाई नीचे कोई पुल कर रहा होगा तभी टेंशन होगा, यहां पे आप नीचे पुल ना करिए, कोई फोर्स ना लगाए तो इस वायर में कोई टेंशन नहीं होगा, तो वायर में कौन डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है, जो इसका नेट अपरेंट वेट है। सो सिस्टम इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड, तो जब तुम्हें पता है कार इधर एक्सीलेट होगी तो सीडो फोर्स इधर लगेगा, अपवर्ड एक्सीलेट होगी तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। सो इसका वेट mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स और प्लस सीडो फोर्स ma इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो ये अपरेंट वेट है, दिस इज द टेंशन t और यही अपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेगा, अपरेंट वेट यही टेंशन है। Now in this case, this is an wire और wire का total mass m है, total length is l, यहां से x distance पर आपको tension बतानी है, it is retarding upwards, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे, कोई बॉडी ऐसे जा रही ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ भी pseudo force act करेगा, इसमें भी आप आगे की तरफ मूव करेंगे, इसमें इधर फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा। सो इस पोर्शन का मान लीजिए मास एम डैश है, तो यहां पर जो सीडो फोर्स होगा एम डैश ए अपवर्ड एक्ट करेगा और इसका एम डैश जी जो इसका वेट है इसका वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सो नेट इसका जो वेट है, वायर का जो नेट वेट होगा वही यहां टेंशन होगी, इस वायर का जो नेट वेट होगा वही यहां टेंशन होगी, तो इसका जो नेट वेट है डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एम, मैं एम जी लिख रहा हूं या टोटल स्मॉल एम ले लीजिए, वो कैपिटल एम है, दिस इज द स्मॉल एम, इसका मास स्मॉल एम ले लिया मैंने, सो यही स्मॉल एम ले लीजिए, तो एम ए स्मॉल एम ले लीजिए। सो इसका जो वेट ग्रेविटेशनल वेट डाउनवर्ड्स एम जी एक्ट कर रहा है और इस पर स्यूडो फोर्स, इस मास पे स्यूडो फोर्स एम ए अपवर्ड एक्ट करेगा, सो नेट अपरेंट वेट इसका हो जाएगा, अपरेंट वेट इज एम जी माइनस एम ए, दैट इज एम कॉमन लेंगे सो जी माइनस ए हो जाएगा, ये अपरेंट वेट हो जाएगा और जो इस पोर्शन का वेट है वही यहां टेंशन होगा,
यहां पर अगर अपना हाथ लगा लो, इसको कट करके, तो इसको इसको अपने हैंड में हैंग करिए ऐसे करके, तो इस पोर्शन इसका जो वेट होगा वही फोर्स होगा, और फिर तुम लिफ्ट में चले जाओ और लिफ्ट एक्सीलेट करें तो इसका वेट कम हो जाएगा और ये नेट वेट है, यही आप टेंशन होगी इस पॉइंट पर, टेंशन टी, दिस इज इक्वल टू टी, टेंशन टी। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स रिटार्ड हो रहे हैं, ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं आप, तो जब कार में ब्रेक लगाएंगे तो आप रिटार्ड होगी कार, आगे की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसमें भी डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स इज डाउनवर्ड्स। तो यहां पर जो टेंशन है, अगर ये बॉडी मूव नहीं करेगी तो यहां पर जो टेंशन है ड्यू टू वेट ऑफ दीज टू बॉडी, इन दो मास को बैलेंस करने के लिए यहां पर टेंशन आएगी। बट अब चूंकि ये नीचे की तरफ हो रहा है और एक्सीलेट कर रहा है, तो ये टोटल जो मास है, ये टोटल मास पे स्यूडो फोर्स भी नीचे की तरफ ऐड करेगा, तो दैट इज एम वन प्लस एम टू टाइम्स ऑफ जी, ये इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है जो यहां पे टेंशन लगेगा, और चूंकि ये रिटार्ड भी हो रहा है, स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, मोशन के अलोंग लगेगा, तो प्लस एम वन प्लस एम टू टाइम्स ऑफ ए, ये स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो दिस इज द अपरेंट वेट, ये अपरेंट वेट हो जाएगा जो यहां पर एक्ट करेगा एट दिस पॉइंट, दिस इज इक्वल टू टी टू, ये टी टू आ गया आपका। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन, टी वन की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये तो आपका टी टू आ गया, नाउ टी वन, या इस वायर में जो भी टेंशन होगा ड्यू टू वेट ऑफ दिस, वेट ऑफ मास एम वन, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सीलेट नहीं, डाउनवर्ड्स रिटार्ड हो रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा और ब्रेक्स लग गए, सो इन दिस केस या इस पे भी स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ ऐड करेगा, और सिर्फ दिस, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसका जो अपरेंट वेट होगा वो यहाँ टेंशन होगा, सो यहाँ पे टेंशन टी वन इक्वल एम वन जी, इसका वेट हो गया और स्यूडो फोर्स भी नीचे की तरफ है, दैट इज एम वन ए, दैट इज एम वन कॉमन ले लेंगे एंड जी प्लस ए, दिस इज द टेंशन टी वन, ये इसके आंसर होंगे। अरे स्यूडो फोर्स से रिलेटेड हमें और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत ही हाई एप्लीकेशंस हैं, तो अभी बहुत बहुत करना है, सो आई नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लूँगा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।